नमस्कार। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव आ रहा है, इसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। यह पूर्णिमा हमारे लिए तो चंद्रमा और ज्ञान की याद दिलाती है, शीतलता की याद दिलाती है, परंतु विश्व में बहुत बड़े समुदाय को यह बौद्ध दर्शन की याद दिलाती है, गौतम बुद्ध की याद दिलाती है, उनके धम्म की याद दिलाती है, उनके दर्शन की याद दिलाती है। इसलिए आज सबको मैं बुद्ध पूर्णिमा का अभिनंदन करती हूँ, आप सबको बधाई देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि गौतम बुद्ध ने जो मार्ग हमको दिखाया था उस मार्ग पर वो सब चलें जो उसमें विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में तो हम सब जानते हैं, एक ऐसा महामानव जो इसी पूर्णिमा को पैदा हुआ, इसी पूर्णिमा को उसने ज्ञान प्राप्त किया और इसी पूर्णिमा को उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी जीवन से मुक्ति भी प्राप्त हुई। यह संयोग किसी भी जीवन में बहुत कम मिलता है और यह अद्भुत संयोग है एक महामानव के जीवन में। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन अवश्य ही एक महान आत्मा या महामानव का जीवन था। इसीलिए भारत में अब नवबौद्ध अधिक हैं, परंतु विश्व भर में बहुत से बौद्ध ऐसे हैं और हमारे आसपास के देशों में, विशेष तौर पर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में इस धर्म का प्रचार प्रसार बहुत है और इसके अनुयायी इस प्रकार से खिंचकर भारत की ओर चले आते हैं जैसे कोई आकर्षण उन्हें बुलाता है। ये विचार का आकर्षण है, धम्म का आकर्षण है। आज के दिन हम ये भी याद करें, हम याद करें कि ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने दर्शन में क्या कहा था जो उन्हें अभी तक इतना सबके हृदय पर छाने का अवसर देता है। गौतम बुद्ध ने जब घर से पहली बार बाहर कदम रखा, माता पिता ने जो महाराजा महारानी थे उन्हें संभाल कर रखा, राजकुमार के रूप में पहली बार जब घर से निकले तो एक बीमार व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक जाता हुआ व्यक्ति, जीवन से मृत्युशैया पर जाता हुआ व्यक्ति, ये तीन दृश्य उन्होंने देखे और उन तीन दृश्यों से उन्हें जीवन से वितृष्णा हुई। यह भी अद्भुत था। हम सब ऐसे व्यक्ति को कभी देखते हैं तो एक बार कहीं ना कहीं इस जीवन से विमोह तो होता है, वितृष्णा होती है, लेकिन ऐसी वितृष्णा कि वह राजमहल छोड़कर चले गए, यह संसार छोड़कर चले गए और लगभग 20 वर्षों तक भटकते रहे इधर उधर, उसमें भिक्षा भी मांगी, उसमें दीक्षा भी ली, उसमें जीवन के दर्शन पर विचार भी किया और फिर आकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने भोजन त्यागा, अपने जीवन के सुखों को त्यागा और जब भूख से बिल्कुल शरीर सिकुड़ गया तो आत्म जिज्ञासा पहचानी, आत्म को जानने का प्रयास किया और वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह वही दिन है जिस दिन महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध हुए, क्योंकि उन्हें वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसलिए इस दिन को हमें इस रूप में भी मनाना चाहिए कि यदि हम चाहें तो हम सब में वह क्षमता है कि हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं जो हमें जीवन के दर्शन से परिचित कराता है। अब महात्मा बुद्ध का जीवन का दर्शन क्या था, गौतम बुद्ध कैसे महात्मा बुद्ध हुए, उस दुख के कारण को जानने के लिए वो कहाँ कहाँ गए और उन्होंने उसमें क्या खोजा, तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहला दर्शन यही है, जीवन में दुख क्यों है। और हम सब भी ये जानना चाहते हैं जीवन में दुख क्यों है, और उसका उत्तर वो देते हैं, जीवन में दुख है क्योंकि जीवन में वासना है, क्योंकि जीवन में इच्छा है, क्योंकि जीवन में तृष्णा है। दुख क्या है, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख है, जो हम नहीं चाहते वो मिलता है तो भी दुख है। और उन दुखों के निवारण का एक मार्ग यही है कि हम इच्छा बंद कर दें, हम क्या चाहते हैं हम क्या नहीं चाहते हैं, यदि ये दोनों ही बंद कर दें तो दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह बंद नहीं होता, तो तृष्णा दुख का कारण है, वासना दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है, और जैसे ही इन्हें हम त्याग देते हैं तो हम दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, वो सुख का मार्ग है। इसलिए दुख का कारण तृष्णा और तृष्णा से बचने का मार्ग त्याग, संयम, अहिंसा, जिसे उन्होंने अनेक नाम दिए, वह त्याग है। इस रूप में यदि अब भी हम देखें तो आदि शंकराचार्य को याद करें तो वह भी यही कहते हैं, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता,
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, लेकिन ये सत्य हम पहचान नहीं पाते हैं। ये सत्य बिरले महात्मा पहचान पाते हैं, जिनमें से गौतम बुद्ध एक हुए। लेकिन यदि हम ये पहचान लें तो वस्तुतः जीवन में सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद की ओर हम जा सकते हैं, और वह आनंद ज्ञान से भी जुड़ता है। इस रूप में गौतम बुद्ध ने दुख को पहचानते हुए फिर अपना पंचशील का सिद्धांत दिया, और पंचशील का सिद्धांत यदि आप समझ लें तो आप जीवन को एक अच्छे मार्ग पर चला सकते हैं। पंचशील क्या है? सबसे पहला उनके नियमों का, पंचशील का है अस्तेय, यानी चोरी ना करना। यदि हम मनसा वाचा कर्मणा चोरी ना करने की शपथ ले लें तो देखिए जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन गौतम बुद्ध चाहते थे। अस्तेय, अहिंसा, हिंसा ना करना, यह भी वही है मनसा वाचा कर्मणा। जब हम हिंसा नहीं करते हैं तो मनुष्य वस्तुतः यही देव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह उनका दूसरा सिद्धांत है। यह पंचशील वो नहीं है जिसे हमारे पहले प्रधानमंत्री ने विदेश नीति का सिद्धांत बनाया था और चीन के साथ बनाया था, क्योंकि चीन इस भाषा को समझ भी नहीं सकता। परंतु गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत दिया कि अहिंसा आपके चरित्र में होनी चाहिए। शील, पंचशील जो कहा, क्योंकि शील बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है शील के रूप में, तो ये पंचशील जो मनुष्य के चरित्र से जुड़ी हुई बातें हैं। पहला अस्तेय मैं दोहरा रही हूँ, और दूसरा अहिंसा, और तीसरा ब्रह्मचर्य और परिग्रह दोनों जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्मचर्य वह नहीं है जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में कहते हैं। गौतम बुद्ध ने इसे कहा व्यभिचार ना करना, यानी आपका आचरण शुद्ध रहे और आप जिस भी काम को कर रहे हैं उससे व्यभिचार ना करें, नैतिक अनैतिक कार्य भी ना करें। नैतिकता बुद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो अनैतिक कार्य ना करें और अपने चरित्र के मूल के साथ समझौता भी ना करें, और कोई ऐसा काम ना करें जो नैतिकता के विरुद्ध हो। इसलिए उनका ब्रह्मचर्य व्यभिचार के विरुद्ध था, व्यभिचार का निषेध था। यदि इन पंचशीलों को हम देखते हैं तो हरेक में एक सकारात्मक बात है, लेकिन एक निषेधात्मक वाक्य भी उसके साथ है। इस प्रकार से तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है झूठ ना बोलना यानी सत्य, असत्य संभाषण ना करना, असत्य को मस्तिष्क में ना रखना और सत्य बोलना, यह उनका चौथा शील है। और पांचवा शील जो बहुत ही आवश्यक है, और मैं समझती हूँ गौतम बुद्ध के दर्शन को मानने वाले जितने हमारे नवबोध डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए, उसे चुनने में भी शायद डॉक्टर अंबेडकर ने विशेष ध्यान रखा होगा, वह है नशे का निषेध, मद्य का निषेध, किसी भी प्रकार का नशा ना करना। यह गौतम बुद्ध के पंचशील सूत्रों में से एक है, और यदि हम इन पंचशीलों को व्यक्ति के जीवन में उतार लेते हैं तो वह सच में एक आदर्श मानव तो अवश्य बन ही सकता है। अब यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, इसके लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक सिद्धांत दिए, जिसको अष्टांग का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, जिसको शुद्ध जीवन भी कहते हैं, और जिसको सम्यक मार्ग भी कहते हैं। जितने मार्ग, जितने क्षेत्र गौतम बुद्ध ने इसमें दिखाए, उन सब में सम्यक साथ लगाया। ये अष्टांग सिद्धांत में सबसे पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि, यानी मनुष्य ऐसी दृष्टि बनाए जिससे वह हर चीज़ के पक्ष विपक्ष को देख सके, और उसके बाद अपनी दृष्टि विकसित करे। जीवन को देखने की दृष्टि, कार्य करने की दृष्टि, जीवन को समझने की दृष्टि, इस विश्व को समझने की दृष्टि, विश्व की आसपास हमारे जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको समझने की दृष्टि, वह इस सम्यक रूप से विकसित हो। इसको शुद्ध दृष्टि भी कहते हैं, यानी दृष्टि कलुषित नहीं होनी चाहिए, मन कलुषित नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने सम्यक वार्ता, सम्यक वार्ता सम्यक दृष्टि से ही निकलती है। जब आपकी दृष्टि शुद्ध होगी तो आपकी वार्ता, यानी आपका बातचीत, आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपके विचार, वह भी शुद्ध हों। यह सम्यक वार्ता है जो उनका तीसरा सूत्र है। इनके बीच में दूसरा सूत्र आता है सम्यक संकल्प। व्यक्ति जब एक दृष्टि बना लेता है, वो दृष्टि ध्येय से जुड़ी भी हो सकती है, तो उसके साथ ही उसे संकल्प भी करना चाहिए, लेकिन संकल्प में भी अति संकल्प नहीं होना चाहिए। यह संकल्प मध्यम मार्गी ऐसा होना चाहिए जिस पर व्यक्ति चल सके। तो संकल्प करें एक सही दृष्टि विकसित करने के बाद और उसको समझने के बाद कि आप कैसा संकल्प निभा सकते हैं, कैसा संकल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संकल्प बदल नहीं सकता, लेकिन
प्रायः संकल्प दृष्टि विकसित करने के बाद करना चाहिए और उसी के आधार पर आपकी भाषा, आपकी वार्ता, आपकी वाणी और आपकी बातचीत की शैली होनी चाहिए। उसके साथ साथ चौथा जो संकल्प, चौथा जो मार्ग निकल कर आता है अष्टांगिक मार्ग में, वो है सम्यक कर्म। आप दृष्टि और वार्ता और संकल्प तो कर लें और कार्य ना करें तो आप किसी दिशा में नहीं चल पाएंगे। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि उसी प्रकार से शुद्ध भाव से शुद्ध कर्म करने की भी चेष्टा व्यक्ति को करनी चाहिए और शुद्ध कर्म करना चाहिए, जिसको एक जगह शुद्ध कर्म का नाम देते हैं, एक जगह शुद्ध कर्मांत का नाम देते हैं, कहीं सम्यक कर्मांत का नाम देते हैं। लेकिन सम्यक का मतलब है वो समीचीन होना चाहिए और उस रूप में कर्म अवश्य करें, लेकिन इन सब दृष्टियों से सोच विचार कर अपना कर्म और उस कर्म की दिशा निर्धारित करें। इसके साथ ही है सम्यक आचरण, आचरण भी आपका शुद्ध होना चाहिए। सम्यक के साथ शुद्ध शब्द चलता है और ये प्रायः इंटरचेंजेबली प्रयुक्त किया जाता है बुद्ध दर्शन में। तो शुद्ध आचरण, आचरण यानी आपका व्यवहार होना चाहिए। तो आप भाषा, मन, दृष्टि, संकल्प के साथ साथ जो अपना जी दिन प्रतिदिन का व्यवहार रखें, जो आचरण औरों के साथ करें, व्यक्ति के साथ करें, समाज के साथ करें, छोटों के साथ करें, बड़ों के साथ करें, वह भी सम्यक यानी समीचीन होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुकूल भी होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व के अनुकूल भी होना चाहिए, आपके कर्म के अनुकूल भी होना चाहिए। और उसी के साथ जो अगला सिद्धांत उनका अष्टांगिक मार्ग में आता है वो है सम्यक प्रयत्न। यानी कर्मांत भी आपने निर्णय कर लिया, आचरण भी आपने सम्यक कर लिया, लेकिन आपके प्रयास भी उसी तरफ बढ़ने चाहिए। सम्यक प्रयत्न भी, जिस दिशा में आप चलना चाहते हैं, जो कार्य आप करते हैं, जो आचरण आप करना चाहते हैं, उस ओर आपका सम्यक प्रयत्न भी होना चाहिए। और इन्हीं के साथ दो और सिद्धांत अष्टांगिक सिद्धांत का हिस्सा है। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी आपकी स्मृति भी शुद्ध होनी चाहिए। गौतम बुद्ध के विचारों में एक विचार यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो अपने अतीत में ना जिएं, अपने भविष्य में ना झांकें, वर्तमान में रहें। आपकी स्मृतियां भी यदि सुखद स्मृतियां होंगी तो आपका व्यवहार, आचरण, मन उसी प्रकार से बन जाएगा। दुखों की स्मृतियां यदि पालेंगे तो दुख आपके साथ चलेंगे। इसलिए स्मृति भी सम्यक स्मृति होनी चाहिए। उसमें आप वो बातें रखें जो आपके जीवन को दुख से दूर ले जाती हैं, या त्याग की ओर ले जाती हैं, या संयम की ओर ले जाती हैं, या अहिंसा की ओर ले जाती हैं, जो पंचशील है उसकी ओर ले जाते हैं, वो सम्यक स्मृति होनी चाहिए। और अंत में सम्यक समाधि। अभी समाधि वो नहीं है जो जीवन का अंत हो, क्योंकि वो सम्यक नहीं हो सकती। सम्यक समाधि यह वह समाधि है जो हम अब मेडिटेशन के रूप में याद करते हैं, यानी जीवन से थोड़ा सा हट करके अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। यह समाधि वो है जिसे आजकल विपश्यना के नाम से लोग जानते भी हैं और करते भी हैं। तो सम्यक समाधि यानी आप कर्म भी करें, संकल्प भी करें, आचरण भी शुद्ध करें, वाणी भी शुद्ध रखें, प्रयास भी करते रहें, लेकिन थोड़ा समय समाधि यानी अपने अंदर झांकने के लिए भी लगाएं। गौतम बुद्ध आत्मा के प्रश्न पर मौन रहे, उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया, लेकिन पुनर्जन्म को उन्होंने नकारा नहीं। इसलिए समाधि की बात जो आती है वह अपने अंदर झांकने की और स्वयं को समझने की बात है, क्योंकि व्यक्ति शक्ति वहीं से प्राप्त करता है। इसलिए यह जो पंचशील और उसके बाद अष्टांगिक सिद्धांत है, इन्हीं के आधार पर गौतम बुद्ध ने बहुत सी शपथ अपने शिष्यों के लिए बनाई, जो एक अच्छे जीवन की शपथ थी। और उन शपथों में यही सब बातें हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मदिरापान नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं अच्छा जीवन या सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करूँगा या करूँगी, जो शपथ इस तरह की बहुत सारी हैं। उन 21 शपथों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ा। अब मैं इसके साथ साथ, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा भारत में नव बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, और कभी आपको अगर चैत्य भूमि जाने का अवसर मिले तो आप देख पाएंगे कि कितने लोग इस दिन और जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ग्रहण की थी उस दिन कितने लोग चैत्य भूमि जाते हैं। करोड़ों की उनकी पुस्तकें बिकती हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। और यह निर्णय कि वो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, इसके पीछे भी एक छोटा सा इतिहास है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह क्यों कहा कि मैं हिंदू
पैदा हुआ था लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, क्योंकि जन्म मेरे हाथ में नहीं था लेकिन ये जीवन अब मेरे हाथ में है जिसमें मैं बदलाव करूंगा। इसका एक छोटा सा इतिहास अभी आपके सामने रखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जब बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के सार्वजनिक जीवन में आए उससे पहले वो विश्व के बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में पढ़े, जहाँ उन्होंने अपने ओरिजिन को, अपने वर्ग को, अपने समुदाय को, भारत के समाज को, इस समाज के स्वरूप को जानने का प्रयास किया। तो पढ़ने वो इकोनॉमिक्स गए थे, अर्थशास्त्र पढ़ने गए थे, लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र भी पढ़ा, नृजातीय शास्त्र भी, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ा, राजनीति विज्ञान भी पढ़ा, विधि भी पढ़ी, विधि शास्त्र भी पढ़ा, और कुछ हद तक जर्नलिज्म किया भी और समाज सुधार किया। और इन सब को मिलाकर वह चाहते थे कि भारतीय समाज का स्वरूप बदले, क्योंकि यह बात उन्हें भी कष्ट देती थी कि इतना विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना हमारा गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उसके बाद भी यूपी से भी एक छोटा सा देश आकर भारत पर इतने वर्षों तक राज्य कर गया। इंग्लैंड एक बहुत छोटा राष्ट्र है अगर उस तरह से देखा जाए, लेकिन भारत पर शासन कर गया, तो ये प्रश्न उनके मन में कौन सा था, और इसका जवाब उन्होंने ये दिया, इसलिए वो शासन कर गए क्योंकि भारत विभाजित था, भारत समुदायों में बटा हुआ था, और यदि ये समुदाय जुड़ जाते तो किसी राष्ट्र की हिम्मत नहीं कि वह भारत की ओर दृष्टि भी उठाकर देख सके। इसलिए उन्होंने ये भी सोचने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भारतीय समाज में यह एक रूपता लाई जाए जिसको अंग्रेज़ी में या सोशियोलॉजिकल भाषा में एंडोस्मोसिस कहते हैं, और इसके लिए उन्होंने सोचना आरंभ किया। 1936 में लाहौर की जात पात तोड़क मंडल एक संस्था थी जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को आमंत्रित किया कि वह अपना लेख वहाँ पढ़ें या अपना एक वक्तव्य वहाँ दें। उसके लिए बाबा साहेब ने एक वक्तव्य, एक लेख लिखा बहुत अच्छा, जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का उन्मूलन, जाति का निषेध। और वह क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि उससे पहले वह भी गांधी जी की तरह 3-4 अहिंसक आंदोलन कर चुके थे, जिनमें एक आंदोलन मंदिर में प्रवेश के लिए था, एक आंदोलन तालाब से जल लेने के लिए था, एक आंदोलन सबको साथ मिलाकर एक वो भी एक और टैंक से, एक पोंड से पानी लेने का था, लेकिन वहाँ अंततः हिंसा भी हुई, कुछ वाद विवाद भी हुए, और सफलता उन्हें रुक रुक कर कुछ समय के बाद मिली। तो डॉक्टर अंबेडकर को लगा शायद जाति ही वह कारण है जिसके कारण हम एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने गांधी जी से कहा भी, आप अहिंसा की बात करते हैं, मैंने अहिंसक आंदोलन चलाए हैं, लेकिन आपने हमारे विषय में उस तरह से नहीं सोचा जैसे आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर आप सच में अस्पृश्यता का विरोध करना चाहते थे तो जैसे आपने कांग्रेस के लिए गांधी टोपी और चार आने का सिद्धांत रखा है, उसी तरह उसमें अस्पृश्यता के निषेध की बात भी रख सकते थे कि ऐसे लोग कांग्रेस के सदस्य बने जो अस्पृश्यता में विश्वास ना करें, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और इस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी बाद में, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, गांधी और कांग्रेस ने अस्पृश्यों के साथ क्या किया। यह पृष्ठभूमि थी जब उन्होंने यह लेख लिखा कि किस प्रकार से जातियों के बीच में एंडोस्मोसिस होनी चाहिए, और उसे ही हम अगर अब अपनी भाषा में कहें, संघ की भाषा में कहें, तो सामाजिक समरसता है, वही समरसता है जिसमें हम सब जुड़ सकें, और यह समरसता ही उनकी खोज थी उस समय। लेकिन जात पात तोड़क मंडल ने कहा कि आपके कुछ विचारों से हम सहमत नहीं हैं। अंबेडकर जी ने इस लेख को लिखने के लिए हिंदू ग्रंथों को भी पढ़ा था, हिंदू धर्म को भी समझने का प्रयास और गहराई से किया था, और उसके बाद ये ग्रंथ लिखा था, और धर्म की व्याख्या भी उन्होंने उस समय की थी। लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपना लेख नहीं बदलूँगा, चाहे आप मुझे पढ़ने के लिए बुलाएं ना बुलाएं। अंततः वही हुआ, लेख बदला नहीं, उस मंडल ने, उन जातपा तोड़क मंडल ने उन्हें बुलाया नहीं, लेकिन बाद में वह एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में प्रकाशित हुआ, जो वस्तुतः एक बहुत ही मूल ग्रंथ मैं कह सकती हूँ, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के उस समय के अनुभवों से, उन विचारों से निकला था। और वो अनुभव इसलिए भी थोड़े कटु उस समय तक हो गए थे क्योंकि जब वो लौट कर आए थे तो उन्हें वो वातावरण नहीं मिला जो वो सोच कर आए थे कि उनकी शिक्षा के बाद
उन्हें मिलेगा। हम सब बड़ौदा की घटनाएं भी जानते हैं, हम सब मुंबई की घटनाएं भी जानते हैं, और इसलिए यह लेख बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। और जब जात पात तोड़क मंडल भी हो गया, उससे पहले 1932 का पूना पैक्ट की घटना थी, जहाँ गांधी जी ने उन्हें रोक दिया था पूना पैक्ट से के पीछे जाने के लिए, जहाँ वो एक दलित होमलैंड की मांग करने लगे थे कि दलितों के लिए यदि आपके राज्य में स्थान नहीं है तो हमें फिर एक अलग स्थान दे दीजिए। और तब गांधी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्पना को समझते हुए ये पूर्वानुमान लगाया था कि यदि यह अलग दलित भी भारत से अलग हो गए तो भारत का स्वरूप क्या रह जाएगा। और उस रूप में गांधी जी ने उस समय आमरण अनशन किया, और उनको उस अवस्था से बचाने के लिए अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जो बाद में संविधान सभा में एफर्मेटिव एक्शन या जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, आरक्षण की व्यवस्था का आधार भी बना। वापस मैं अब उसी बात पर, धर्म पर लौटती हूँ कि जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तब उन्होंने खोजना आरंभ किया कि कौन सा धर्म उन्हें आकर्षित कर सकता है। और ईसाई धर्म ने उनको आकर्षित किया, बहुत सारे पोप फादर उनसे मिलने आए, इस्लाम ने उनको आकर्षित करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि हैदराबाद के नवाब अनेक दिनों तक उन्हें आकर्षित और प्रलोभन देकर इस्लाम की ओर आकर्षित करना चाहते थे। हिंदू धर्म उनके आसपास था जिसे वह पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, इसलिए कि बौद्ध धर्म यहाँ से निकला था, इसलिए भी कि बौद्ध धर्म में नैतिकता थी, करुणा थी, प्रज्ञा थी, शील था और अहिंसा थी। और बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय ऐसा धर्म चाहते थे जो व्यक्ति को बांधे नहीं, व्यक्ति को धारण करे। इस्लाम को उन्होंने और ईसाइत को, दोनों को इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि उन दोनों में एक व्यक्ति ये कहकर चला जाता है कि मेरे बाद कुछ और नहीं, जो मैंने कहा वह अंतिम सत्य है और तुम सबको इसे फॉलो करना है, चाहे वह ईसा मसीह हो चाहे वह पैगंबर हो। और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि मेरे लिए और मेरे अनुयायियों के लिए, वो लोग जो मुझ में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह उचित नहीं है। और उन्होंने बुद्ध धर्म को चुना, क्योंकि बुद्ध धर्म में बुद्ध ने जाति प्रथा का भी निषेध किया था, वह निषेध नहीं, विश्वास नहीं रखते थे जाति प्रथा में, और ये कहते थे जो भी आए इस धर्म को अपना सकता है, कोई भी इस धर्म में आ सकता है। और इस रूप में बुद्ध धर्म में बाबा साहेब अम्बेडकर को मॉडिफिकेशंस की, कुछ नया करने की, कुछ छोड़ने की, कुछ ऐड करने की स्वतंत्रता दिखाई दी। और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने लगभग 20 वर्षों तक उन धर्मों को समझा और फिर बौद्ध धर्म को समझा, और तब जा कर के 1936 के 20 वर्ष बाद 1956 में दीक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म को अपनाया। और प्रायः उस धर्म को अपनाने का उनका कारण जो वो कहते हैं वो यही है कि यह एक नैतिक धर्म है, यह एक वैज्ञानिक धर्म है और यह एक भौतिक धर्म है। हिंदू दर्शन को जब हम देखते हैं तो भारतीय दर्शन संप्रदायों में भी बौद्ध दर्शन को नास्तिक और भौतिक दर्शन संप्रदाय के रूप में ही पहचाना जाता है। इस रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसे अपनाया। इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं। गे लॉम्बर्ट ने कहा कि ये प्रोटेस्ट, एक तरह से उनका प्रोटेस्ट रिबेलियन था, एक एक्शन था, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम कर चुके थे जिनसे वो इस समाज में मिलना चाहते थे, तो प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने धर्म को बदला और बौद्ध धर्म को अपनाया। क्रिस्टोफर जेफरलेट भी कहते हैं इसी तरह से, लेकिन वो ये कहते हैं कि यह उनका एक तरह से अन्य धर्मों का रिजेक्शन भी था, खंडन भी था। ऐसे बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं, लेकिन खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने इस निर्णय को सही इस प्रकार से ठहराया कि बौद्ध धर्म ये कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी आप उसकी शरण में जाते हैं लेकिन वो बांधते नहीं हैं आपको। वहाँ शरण में आप शांति प्राप्त करने, सुरक्षा प्राप्त करने जाते हैं, या कुछ विचार संप्रदाय प्राप्त करने जाते हैं। संघम शरणम गच्छामि, और संघ जो है वो सह अस्तित्व का द्योतक है, संघ जिसमें सभी व्यक्ति रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आए हों, किसी भी वर्ग से आए हों, किसी भी राष्ट्र से आए हों, वो संघ का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो सह अस्तित्व का सिद्धांत था बौद्ध धर्म में, इसे बाबा साहेब अम्बेडकर
आकर्षक मानते थे या उसको आकर्षित, बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने आकर्षित किया क्योंकि वे अपने अनुयायियों के लिए सह अस्तित्व की एक व्यवस्था ही खोजना चाह रहे थे। जब उन्होंने संविधान में बात की तो उस संविधान में भी जस्टिस लिबर्टी के साथ साथ उन्होंने समता की बात की और भ्रातृत्व की बात की और मोबिलिटी की बात की। भ्रातृत्व क्यों आवश्यक है, समता क्यों आवश्यक है, क्योंकि उस समय असमानता थी, उसको बदलने के लिए समानता की आवश्यकता थी, और जो समानता भ्रातृत्व पर आधारित नहीं होती, भाईचारे पर आधारित नहीं होती, वह बहुत समय तक चल नहीं पाती। इसलिए वो भ्रातृत्व का सिद्धांत उन्होंने इसमें खोजा। और बुद्ध धर्म में ही अप्पा दीपो भव, यह एक ऑप्शन, एक विकल्प व्यक्ति के सामने होता है, यानी अपने दीपक आप स्वयं बने, यानी तर्क वितर्क औरों के नहीं, आप अपने आप करें और सही गलत की पहचान भी स्वयं कर सकते हैं। आपके लिए वह सही गलत कहीं एक जगह दे दिया गया हो, ऐसा नहीं है, वह सही गलत आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और संघम शरणम गच्छामि के बाद तीसरा सिद्धांत है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी अंततः आप मात्र बुद्ध और संघ की शरण में नहीं जाते हैं, आप धर्म की शरण में जाते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने पुस्तक भी लिखी है, बुद्ध एंड हिज धम्म, और धम्म के यही सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर को आकर्षित करते हैं। जब इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में और उस परिप्रेक्ष्य में सोचती हूँ तो यह विचार मेरे मन में आता है, पंचशील वह सिद्धांत है जो बाबा साहेब अम्बेडकर अपने अनुयायियों में लाना चाहते थे। वह बार बार अपने अनुयायियों को कहते थे एजुकेट, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा मात्र पढ़ना लिखना नहीं है, एजुकेशन इज़ ए कल्टीवेशन ऑफ माइंड, यह आपके मस्तिष्क को शुद्ध करता है, परिशुद्ध करती है और संस्कारित करती है। यह संस्कार चाहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर कि हमारे समाज के सभी वर्गों में आएं। इसलिए बुद्धिज़्म जो था या बुद्ध धर्म या बुद्ध दर्शन उनको आकर्षित करता था, और यह नैतिकता की बात भी थी क्योंकि उस समय नैतिकता का लोप हो रहा था। जब नैतिकता का लोप होता है तभी विदेशी शक्तियां किसी समाज पर आक्रमण कर पाती हैं, और हमारा 600-700 वर्षों का जो कालखंड था जिसमें बहुत आक्रमण हुए, बहुत पराजय हुई, बहुत आक्रांता आए, उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता का ह्रास भी होता है। तो नैतिकता को भी रिवाइव करना चाहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर, और सम्यक अष्टांगिक सिद्धांत के माध्यम से अपने अनुयायियों को एक ऐसा जीवन दर्शन देना चाहते थे कि वह दुखों से मुक्ति पा सकें, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ग था जो अलगाव से दुख पा रहा था, जो इसलिए दुख पा रहा था कि वह अपने पूरे समाज का भाग नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर का यह प्रश्न गांधी जी को कि यदि हम हरिजन हैं तो आप कौन हैं या अन्य कौन हैं, एक ऐसा प्रश्न था जो उनके दर्द को अभिव्यक्त करता था, और गांधी जी बड़ी कठिनता से जवाब दे पाए थे कि वह दुर्जन है, हम सब दुर्जन हैं, परंतु वह शब्द चले नहीं। और इसी प्रकार से उन्होंने जब गांधी जी से कहा था कि आप कह रहे हैं होम रूल और होमलैंड के लिए हम संघर्ष करें, लेकिन हमारा घर है कहाँ, पहले हमारा घर अपने साथ बनाइए, ये होमलैंड हो उसके लिए हम फिर संघर्ष भी करें, इन सब प्रश्नों का उत्तर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक होम ग्रोन रिलीजन, एक ऐसा धर्म जो भारत की परिस्थितियों से उपजा था, जो सम्राट अशोक ने पनपाया था, जो महाराज शुद्धोदन के परिवार में उपजे जो सिद्धार्थ थे उन्होंने गौतम बुद्ध के रूप में पहचाना था और विकसित किया था, उस धर्म को अपनाया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें ये याद अवश्य रखना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो नव बौद्धों का सिद्धांत दिया, वो बुद्ध धर्म में वह वह परिष्कार किया, वह वह संशोधन किया जो उस समय की आवश्यकता थी और जो उनके अनुयायियों के लिए एक अच्छा जीवन दर्शन बन सकता था। मैं ये आशा करती हूँ कि इस बुद्ध पूर्णिमा को जब हम खीर खाएं तो वह मात्र चंद्रमा को याद करके ना खाएं, चंद्रमा की शीतलता और उसके ज्ञान को भी याद करके खाएं, और जितने नवबौद्ध अपने बौद्ध विहारों में जाएं वह भी याद करें कि यह खीर ज्ञान की खीर है, शील की खीर है, करुणा की खीर है, और यह उस खाद्य पदार्थ के रूप में खाएं जो हमें भारत को जोड़ने की शक्ति प्रदान करे, वह ज्ञान प्रदान करे, और एक दूसरे से जुड़ने, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने, और अंततः एक ऐसे समाज को विकसित करने का ज्ञान और संबल प्रदान करे जिससे भारत एक सामाजिक रूप पर समरस समाज हो, और उस समरसता में से एक सशक्त
और आत्मनिर्भर भारत का उदय हो, तो वस्तुतः यह बुद्ध पूर्णिमा हम सब के लिए सार्थक होगी। फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन, बहुत सी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।